लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल। लखनऊ दुबग्गा मछली मंडी स्थल के अंदर आरती गढ़ों के अध्यक्ष शौकत हुसैन ने अपनी आढ़त पर पाल रखे हैं गुंडे। कोविड-19 प्रोटोकॉल शासन प्रशासन के आदेशों के अनुसार बिना मास्क क्रय विक्रय क्रेता विक्रेता की खबर को कवरेज करना पत्रकार को पड़ा भारी। अभी 3 दिन पहले एक खबर दुबग्गा मछली मंडी स्थल के अंदर की पत्रकार ने खबर चलाई थी। वहां पर कोविड-19 कोरोना महामारी बीमारी जो खतरनाक दोबारा फिर से आई है उसको लेकर बिना मास्क के क्रय विक्रय हो रहा था, जिसको लेकर कई लोगों से मछली मंडी प्रभारी अनुराग सक्सेना के साथ पत्रकार ने कवरेज करते हुए प्रशासन के आदेशों को लेकर शासन प्रशासन के आदेशों के पालन करवाने हेतु बीमारी महामारी से जागरूक कराया गया। उसी के चलते मछली मंडी की आड़ती व आड़ती गणों के अध्यक्ष शौकत हुसैन ने जमीर अहमद जैसे गुंडे अपनी आढ़त पर पाल रखे हैं। आज उसी गुंडे जमीर अहमद ने 3 दिन पहले की खबर चली हुई को लेकर आग बबूला बैठा हुआ था। जैसे ही पत्रकार अपनी बाइक लेकर मछली मंडी के गेट नंबर 3 द्वार से अंदर घुसा, अध्यक्ष शौकत हुसैन के गुंडे ने, जिसका नाम जमीर अहमद है, पत्रकार के साथ अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। भद्दी भद्दी पत्रकार को गालियां देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा और कहने लगा, तुम जैसे पत्रकार में ठेंगे पर रहते हैं, कितनी भी तुम लोग कितनी भी खबर चलाओ, जो उखाड़ सको तुम पत्रकार जैसे लोग उखाड़ लेना। फिर शौकत हुसैन का गुंडा जमीर अहमद बोला कि मंडी के अंदर किसी भी पत्रकार की पत्रकारिता नहीं चलेगी। और जमीर अहमद गुंडे ने मछली मंडी प्रभारी अनुराग सक्सेना को भी भर दी, भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। पत्रकार के सामने पत्रकार को गालियां देते वक्त बड़ी तादाद में भीड़ मछली मंडी के अंदर इकट्ठा हो गई और पत्रकार को लज्जित भयभीत होकर आना पड़ा वापस। शौकत हुसैन का पाला हुआ जमीर अहमद गुंडा मंडी समिति अधिकारी गणों के आदेशों को नहीं मानता, सोशल डिस्टेंसिंग बिना मास्क के करता है क्रय विक्रय। बड़ी तादाद में किसान मंडी परिषद के अधिकारी गणों ने शौकत हुसैन के पाले हुए जमीर अहमद जैसे गुंडे को मंडी में लाइसेंस दे रखा है। मछली मंडी के अंदर सक्षम अधिकारी गणों पत्रकारों से गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे गुंडों को पाल रखा है मछली मंडी आड़ती गणों के अध्यक्ष शौकत हुसैन ने। शौकत हुसैन कई महीनों से मंडी शुल्क विकास टैक्स शुल्क बड़ी तादाद में चोरी करते चले आ रहे हैं। गुंडों के बल पर जिसका सबूत व वीडियो पत्रकार के पास है, शौकत हुसैन पाला हुआ गुंडा जमीर अहमद के द्वारा मंडी शुल्क चोरी करना इन लोगों के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी मंडी के अंदर गुंडागर्दी फैला रखी है। शौकत हुसैन के पाले हुए गुंडे जमीर अहमद ने मंडी शुल्क बिना दिए शौकत हुसैन और जमीर अहमद मछलियों से लोडिंग गाड़ी बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अगर शौकत हुसैन की गाड़ियां मछलियों से लोडिंग होकर जाती हैं और कोई अधिकारी गण मंडी का रोक लेता है तो उसको रिश्वत का प्रलोभन देते हैं। अगर मछली मंडी अधिकारी गण प्रलोभन में नहीं आता है तो रात के अंधेरे में मछलियों से भरी लोडिंग गाड़ियां शौकत हुसैन जमीर अहमद बड़ी तादाद में मंडी टैक्स शुल्क बिना दिए गेट से चोरी से निकलवा देते हैं। शौकत हुसैन जमीर अहमद जैसे लोग मंडी परिषद राजस्व टैक्स चोरी करके बड़ी तादाद में सरकार को चपत लगा रहे हैं। शौकत हुसैन के पाले हुए गुंडे जमीर अहमद जैसे मंडी अधिकारी गणों पर अपना दबाव बनाते हुए करते रहते हैं आए दिन दबंगई। दबाव के चलते मछलियों की भरी हुई गाड़ियां बिना मंडी शुल्क बिना विकास टैक्स शुल्क दिए गाड़ियों को जबरन निकलवा देते हैं। आड़ती गणों का अध्यक्ष शौकत हुसैन जैसे लोगों ने जमीर अहमद जैसे गुंडे पाल रखे हैं। जमीर अहमद मछली मंडी के पीछे गांव का निवासी है, इसीलिए भरपूर दबंगई चलाया करता है। मंडी के अंदर शौकत हुसैन जो बिना मंडी टैक्स शुल्क दिए अपनी गाड़ियों को रात के अंधेरे में निकलवा लेती हैं। बड़ी तादाद में अगर कोई मंडी समिति अधिकारी कर देख लेता है तो इन लोगों को टैक्स चोरी करते हुए तो उसको रिश्वत का प्रलोभन देते हैं। अगर वह रिश्वत नहीं लेता तो अपना दबाव बनाते हैं, जिसके चलते मंडी समिति के अधिकारी गण और प्रभारी सारे के सारे लाचार मजबूर इन गुंडों के आगे बने रहते हैं। मछली मंडी के 4 गेट, गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 से ज्यादातर मछलियों की गाड़ी बिना मंडी टैक्स शुल्क विकास टैक्स शुल्क दिए निकाल ली जाती हैं। शौकत हुसैन और जमीर जैसे लोग मंडी टैक्स चोरी करने वालों का पूरा पूरा सबूत व वीडियो पत्रकार के पास है। कोई भी शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी गण कभी भी पत्रकार से ले सकती हैं। मछली मंडी के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर जो मंडी टैक्स चोरी करते हैं उनकी लखनऊ मंडी परिषद द्वारा जांच कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। मछली मंडी के अंदर अधिकारी गणों की कमी होने के कारण अध्यक्ष शौकत हुसैन के पाले हुए जमीर अहमद जैसे गुंडे मंडी टैक्स चोरी करते हुए अधिकारी गणों को चकमा दे देते हैं। गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 से गाड़ियां निकाल लेते हैं या गेट नंबर 4 से चोरी करके टैक्स गाड़ियां निकाल लेते हैं। रात के अंधेरे में मछली मंडी समिति के अधिकारी गण इन गुंडों के आगे लाचार मजबूर बेबस बने हुए हैं। लखनऊ मंडी परिषद द्वारा ऐसे टैक्स चोरी करने वाले शौकत हुसैन जैसे जमीर अहमद जैसे लोगों के लाइसेंस निरस्त करने चाहिए। अगर कोई पत्रकार कवरेज के संबंध में मंडी के अंदर जाता है तो शौकत हुसैन के पाले हुए गुंडे जमीर अहमद उस पत्रकार को कवरेज करने में बाधा डालते हैं। पत्रकारों की स्वतंत्रता के आधार पर कार्य नहीं करने देते, खबर कवरेज में बाधा डालते हैं
और अगर कोविड 19 प्रोटोकॉल को लेकर पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो अब शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। पत्रकार भयभीत हो जाता है, मजबूर मायूस होकर मंडी से उसको गुंडों की दबंगई के आगे बाहर आना पड़ता है। लखनऊ मंडी परिषद समिति अधिकारी गणों को ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और मछली मंडी के दो गेटों को, गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अधिकारी गणों की कमी होने के कारण टैक्स चोरी करने वाले बड़े आसानी से चोरी करके निकलवा देते हैं, गाड़ियां और लगाते हैं। सरकार को बड़ी तादाद में मंडी शुल्क, विकास शुल्क, राजस्व वसूली में चपत। मछली मंडी के अंदर कोविड 19 प्रोटोकॉल, कोरोना जैसी हाहाकार मचाने वाली बीमारी, महामारी कोई भी पालन नहीं होता। मछली मंडी के आरती का खुलेआम अधिकारियों के सामने प्रशासन के आदेशों की उड़ाते हैं धज्जियां। संवाददाता अनीस अंसारी की रिपोर्ट।